हेलो स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। वी स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर शियर फोर्स एट बेंडिंग मोमेंट, दैट इज योर चैप्टर नंबर 12। ओके, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। बराबर, इसमें हम थियरी फर्स्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट थियरी इज टाइप्स ऑफ supports first support is simple support। किस तरह से इंडिकेट करते हैं उसे? इस तरह से इंडिकेट करेंगे और इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं। ये सिंपल सपोर्ट का एग्जांपल मैं दूं आपको, तो इसमें फॉर एग्जांपल दो वॉल है, उसके ऊपर एक बीम है। ओके, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? सिंपल सपोर्ट। दोनों सपोर्ट है जिसके ऊपर बीम टिका है, दिस वन इज कॉल्ड सिंपल सपोर्ट। दूसरा एग्जांपल दे, तो फॉर एग्जांपल ड्राइंग टेबल है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल सपोर्ट। इसमें रिएक्शन कौन सा मिलेगा? ओनली वर्टिकल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा। द नेक्स्ट वन इज रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में इंडिकेशन कैसा होता है, किस तरह से दिखाते हैं रोलर सपोर्ट को? इस तरह से, और दूसरा इस तरह से। ओके, इसमें रिएक्शन कौन सा मिलेगा? वर्टिकल। क्यों वर्टिकल मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे एंड पे ये सपोर्ट मूव हो सकता है, दैट मीन्स आपको ओनली यहाँ पे कोई फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको रिएक्शन भी मिलेगा। यहाँ पे मोमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी मोमेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज हिंज सपोर्ट। हिंज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का एग्जांपल, इसको किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट करते हैं, दैट इज दिस। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आप एक डोर ले लो, दिस वन इज योर वॉल, यहाँ पे आपका एक डोर है। ओके, दैट इज डोर। फॉर एग्जाम्पल आप हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लगाओगे या वर्टिकली कोई फोर्स लगाओगे, ओके, तो इसमें रिएक्शन मिलेगा, ये डोर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बट आप डोर है, डोर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो डोर है उसमें फॉर एग्जांपल आप हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लगाते हो, यहाँ से कोई फोर्स लगाओगे या यहाँ से ऐसे ऊपर से कोई फोर्स लगाओगे, ये क्या है? डोर का प्लान है। तो आप यहाँ से फोर्स लगाओ तो वो डोर अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और वर्टिकली भी कोई फोर्स लगाओगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं होगा। बट उसको आप धक्का दोगे, यानी आपको तो डोर यहाँ पर मूव होगा, दैट मीन्स इसमें कौन सा रिएक्शन मिल रहा है? ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो रिएक्शन मिलेगा। दिस वन इज कॉल्ड हिंज सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, तो उसको इंडिकेट किस तरह से किया जाता है, दैट इज़ द फिक्स सपोर्ट। कौन कौन से रिएक्शन मिलते हैं यहाँ पे? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट। ओके, तीन रिएक्शन मिलेंगे। इन सपोर्ट में कौन से रिएक्शन मिलेंगे? रिएक्शन इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसमें रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट। ओके,
ओके, ये तीनों रिएक्शन फिक्स सपोर्ट में मिलेंगे. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बीम्स. फर्स्ट वन इज सिंपली सपोर्टेड बीम. उसका इंडिकेशन इस तरह से है, दोनों साइड बीम पे दोनों सब दोनों एंड पे सपोर्ट कौन सा है, सिंपल सपोर्ट. देन फिक्स्ड बीम, दोनों एंड पे कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है. देन नेक्स्ट वन इज कैंटिलीवर बीम, एक एंड पे कौन सा है सपोर्ट, फिक्स्ड, और दूसरे एंड पे कोई सपोर्ट नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज प्रॉप कैंटिलीवर बीम, तो इसमें एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है, दूसरे एंड पे प्रॉप है और सिंपल सपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉप कैंटिलीवर बीम. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस बीम, बीम हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस बीम्स. देन नेक्स्ट वन इज ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है, ओवरहैंगिंग ऑन लेफ्ट, ओवरहैंगिंग ऑन राइट एंड ओवरहैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स एंड ओवरहैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ पे क्या एक बीम है, उस पर एक एंड पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट एंड साइड पे सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट एंड साइड पे सपोर्ट नहीं है, और यहाँ पे दोनों साइड पे सपोर्ट नहीं है. दिस वन इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग बीम. देन थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ लोड्स. फर्स्ट लोड कौन सा आएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड. इंडिकेशन कैसा है, इस तरह से इंडिकेट करते हैं W. सेकेंड वन इज UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UDL. उसको इंडिकेट कैसे करना होता है, इस तरह से. लोड इंटेंसिटी कितना होता है, W किलो न्यूटन पर मीटर. लेंथ कितना है, दैट इज L. आपको बीम में इस तरह से लोड दिया गया हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फोर्स में कन्वर्ट और लोड में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज W इंटू L. W कौन सा है, ये वाला. L कौन सा है, ये वाला. कितने डिस्टेंस पे आपको मिलेगा ये, L बाय 2. दिस वन इज कॉल्ड UDL. इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सेल्फ वेट ऑफ द बीम जो है, बीम पूरा बीम जो होता है उसका जो सेल्फ वेट होता है वो एक ही पूरे स्पान में एक ही लोड लगता है. दिस वन इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ UDL. देन नेक्स्ट वन क्या आएगा, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ओके, तो उसके लिए फिगर कौन सा है इसका, ट्रायंगल में इंडिकेट करते हैं. उसका लोड इंटेंसिटी कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर. लेंथ कितना होता है, L. स्टार्टिंग पे लोड इंटेंसिटी जीरो है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लोड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा. ओके, इसमें आप यहाँ पे भी आपको फोर्स लोड फाइंड आउट करना होता है, तो लोड में इसका CG पे लोड लगेगा, इसका CG ट्रायंगल में यहाँ पे होता है. और लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 1/2
ट्राइंगल का फॉर्मूला जो है हाइट इंटू डिस्टेंस 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एल। अब कितने डिस्टेंस पे हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे मिलेगा 1/3 इंटू एल, और यहाँ से आएगा 2/3 इंटू एल। ओके नेक्स्ट क्या आएगा, शीयर फोर्स, तो सम ऑफ और एल्जीब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस horizontal forces horizontal unbalanced forces from the right or left side of the section is called shear force. Bending moment का क्या है definition? That is sum of all the moments from the left or right side of the section is called bending moment. Okay? इसका मतलब क्या है, शीयर फोर्स के लिए फॉर एग्जांपल आपको शीयर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आपका सेक्शन एक्स एक्स है बीम पे, तो यहाँ पे जो भी फोर्सेस आएंगे उसका समेशन क्या मिलेगा, शीयर फोर्स। और इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे भी ले सकते हो यहाँ पे भी ले सकते हो, तो उसका समेशन क्या होगा, समेशन जो भी होता है दैट इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। साइन कन्वेंशन में भी ऐसा है, ये लेफ्ट हैंड, ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आप लेते हो तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेना होता है। ओके और इस साइड आप लोगे तो अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव और डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेना होता है। उसी तरह से इसमें सेक्शन के इस साइड आपको लेना है मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव, ओके और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेना होता है। और सेक्शन के उस साइड आप ले रहे हो तो क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेना है। दैट इज द साइन कन्वेंशंस, साइन नेक्स्ट थियरी इज रिलेशन बिटवीन शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके ये आपका थियरी है, नेक्स्ट और लास्ट थियरी है ये। उसमें आपको बीम दिया गया है, ये बीम दिया गया है, उस पर लोड इंटेंसिटी है W, उसमें एक छोटा सा पोर्शन लिया गया है दैट इज पी क्यू, ये P और यहाँ पे Q, P पे लोड है F
और क्यू पे लोड है दिस सेक्शन पे एफ प्लस डेल्टा एफ, ओके। पी पे मोमेंट है एम एंड क्यू पे मोमेंट है एम प्लस डेल्टा एम, और ये बीम किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? सिग्मा वी इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा एम इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सिग्मा एच इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। ये तीन कंडीशन अप्लाई होती है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, ये कितने डिस्टेंस पे ये सेक्शन दिया गया है दैट इज एक्स, और इसका स्पान की ये कितनी लेंथ है दैट इज डेल्टा एक्स। तो ये इसके लिए, ये स्पान के लिए लोड कितना मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स, और कितने डिस्टेंस पे मिलेगा दैट इज डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू, ओके। तो अभी हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन लेना है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा है दैट इज सिग्मा एफ वाई और सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा उसमें दैट इज माइनस एफ देन माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ प्लस डेल्टा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा आपको दैट इज माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स, दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं इस पे से द रेट ऑफ चेंज ऑफ शीयर फोर्स with respect to distance is equal to the intensity of loading, okay। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्निंग्स, नेक्स्ट सिग्मा एम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, आपको एम पे मोमेंट लेना है, यहाँ पे आपको मोमेंट लेना है। तो क्या आएगा ये हम रब करेंगे तो ये आपको पता चलेगा, सिग्मा एम इज इक्वल एम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। Take moment about point Q, तो क्या आएगा सिग्मा एम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो पे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेना है प्लस एम, ये कौन सा मोमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एम माइनस डेल्टा एम, ओके। इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट कौन सा आएगा दैट इज माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आएगा। तो अभी इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या आएगा माइनस डेल्टा एम माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पे कौन सा निकल गया एम, एम निकल जाएगा, और ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल है तो वो हम निगलेक्ट करेंगे।
तो क्या आएगा, माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एम. देयरफॉर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा एक्स. और इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ. तो रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द शीयर फोर्स एट दैट सेक्शन, एट दैट सेक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बीम है तो अलग अलग पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा तो यहाँ पे कोई स्लोप मिलेगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा तो कोई स्लोप मिलेगा. बट यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, स्लोप जीरो होगा. यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में स्लोप मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा. तो जहाँ पे भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है वहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, जीरो. तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट. इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वहाँ पे क्या होगा, स्लोप ज़ीरो होगा. और हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज़ डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ. तो ये दोनों पे से हमें कौन सा इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों पे से हमें मिलेगा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी फोर्स शीयर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको शीयर फोर्स जीरो मिलेगा. ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर. तो जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट सैगिंग में से हॉगिंग और हॉगिंग में से सैगिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर. तो ये कौन सा मोमेंट है, दैट इज़ सैगिंग. और ये कौन सा मोमेंट है, दैट इज़ हॉगिंग. तो जब भी ये मोमेंट सैगिंग में से हॉगिंग में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर. ओके, और सी पी कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट, और That is called point of contraflexure, PC, point of contraflexure. इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलेंगे. आपका इस चैप्टर में इतनी थियरी है, इसके रिलेटेड सभी एग्जाम्पल्स आएंगे. ओके, थैंक यू.